चलिए बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मोहन मरकाम को पीसीसी चीफ पद से हटा दिया गया है। रायपुर से बड़ी खबर, अब उनकी जगह दीपक बेज को नया पीसीसी चीफ बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है दीपक बेज को। दीपक बेज जो बस्तर से सांसद हैं, अब उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी जब कुछ ही महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले। बड़ा बदलाव, मोहन मरकाम को हटाकर दीपक बेज को पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। एआईसीसी ने जिसकी प्रेस रिलीज जारी की, हमारे साथ करिश्मा सोनी इस वक्त जुड़ चुकी है। करिश्मा, मोहन मरकाम को हटाकर दीपक बेज को अब यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई, पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया, क्या इसकी अटकलें पहले से लगाई जा रही थी अचानक, या फिर ये फैसला लिया गया, और क्या कारण अब निकल के सामने आ रहे हैं इस फैसले के पीछे? जी अभिषेक, आपको साफ तौर पर बता दें कि पहले से ही जो है ये फैसले निर्णय में आने ही वाले थे। लगातार देख सकते हैं कि पूरी कांग्रेस कमेटी में ये अफवाहें उड़ रही थी और ये बातें चल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को जो है उनके पद से जल्दी हटाया जाएगा, क्योंकि उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। ऐसे में अब दीपक बैज को देखा गया कि अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। मोहन मरकाम जो थे वो आदिवासी नेता है और साथ ही में एक बड़ी पकड़ जो है उनकी हर क्षेत्र में देखने को मिलती थी। अब दीपक बैज जी को बनाया गया है, सांसद है बस्तर से और इससे पहले भी देखा जा सकता है विधायक भी रहे हैं, विधानसभा भी उन्होंने लड़ा था जिसमें उन्होंने जीत हासिल की, अब सांसद भी रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ा बदलाव कांग्रेस कमेटी में देखने को मिल रहा है। इस बदलाव से क्या कुछ हो सकता है आगामी चुनाव को लेकर, वो हम देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा बदलाव है कांग्रेस कमेटी द्वारा और पहले से ही इसकी अटकने जो है हमें देखने को मिल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को हटाया जाएगा, लेकिन उनकी जगह किसे रखा जाएगा ये जो है अभी तक साफ नहीं हुआ था। और अब दीपक बैज को देखा जा रहा है कि अब उन्हें पीसीसी का चीफ बना दिया गया है, तो ये बड़ा बदलाव है पूरे कांग्रेस कमेटी के लिए। रातों रात ये फैसला लिया गया, आज कैबिनेट की बैठक थी, हो सकता है इस बैठक के बाद जो है ये सारी चीजें निकलकर सामने आई है, तो और भी बैठकें बची हुई है कांग्रेस करने वाली है अपनी कैबिनेट में। और देखना यह है कि जितनी भी बैठकें होने वाली है उसमें और क्या बदलाव पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमें देखने को मिलेगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा। तो जाहिर तौर पर अब आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर दीपक बेज को ये जिम्मेदारी दी गई तो उनके नाम के चुनाव के पीछे खैर क्या कारण रहे, लेकिन जाहिर तौर पर दीपक बेज के सामने एक बड़ी चुनौती और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। मोहन मरकाम का कार्यकाल पूरा हो चुका था और ये जिम्मेदारी बस्तर से सांसद दीपक बेज को सौंपी गई है।